हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द क्रिप्टो ट्रैकर्स इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आपके पास लेके आया हूँ आर्बिट्रेज के बारे में, और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि आर्बिट्रेज से आप इंस्टेंटली किस तरीके से पैसे अर्न कर सकते हो क्रिप्टो के थ्रू। राइट, काफ़ी लोगों ने आर्बिट्रेज टर्म सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में क्या खास है जो आप जानना चाहेंगे। इस वीडियो में ये खास है कि मैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग आपको बाइनेंस के अंदर ही बताऊंगा, यानी बाइनेंस एक्सचेंज से आपको बाहर नहीं जाना है। राइट, आपको बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर ही सारा आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, और साथ ही साथ आपको ये दिखाऊंगा किस तरीके से आप उसमें इंस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकते हैं विदाउट एनी डाउट्स। राइट, और मैं आपको ये सारा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, सब स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे मैं इसके फायदे बताऊंगा आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के, और किस तरीके से लोग इसमें ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, वो उसके बारे में इस वीडियो में आपके पास लेके आया हूँ। राइट, तो सबसे पहले तो अगर आपने बाइनेंस पे कभी रजिस्टर नहीं किया, तो बाइनेंस का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उस लिंक से आप जाके रजिस्टर कर लीजिए, जिससे आपको क्या होगा 10% प्रॉफिट मिलेगा, यानी 10% आपकी ट्रेडिंग फीस जो है वो माफ हो जाएगी जीवन भर के लिए। ठीक है, उसके अलावा आपका अगर बाई चांस फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी आपकी 10% की ट्रेडिंग की छूट रहेगी। राइट, तो सबसे पहले तो आपने अगर बाइनेंस पे रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा किस तरीके से रजिस्टर करना है, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है बहुत पहले कि रजिस्टर और केवाईसी किस तरीके से करना होता है। बाइनेंस पे एक्चुअली केवाईसी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आपको केवाईसी भी करना होगा, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने केवाईसी का गाइड भी दिया हुआ है, वो वीडियो का भी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग की। तो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या है, ये कैसा मेथड है और क्या चीज़ है, और आप कैसे बोल रहे हो कि इससे आप डबल पैसे कमा सकते हो, चाहे मार्केट डाउन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बढ़ रहा हो, चाहे कुछ भी हो, इससे आप इंस्टेंटली कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग बहुत ही पुराना टर्म है और स्टॉक में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप एक एक्सचेंज से कोई भी टोकन या कॉइन या कोई भी शेयर आप परचेज करते हो और दूसरे एक्सचेंज पर जाकर उसे सेल कर देते हो हायर प्राइस पे, तो इसी को आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कहते हैं। राइट, अगर आप यहाँ पे देखो, मैं बाइनेंस में आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। जैसे बाइनेंस एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग इसमें ट्रेडिंग राइटिंग करते हैं, तो इसका जो प्राइस है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है विथ रिस्पेक्ट टू हमारे जो लोकल एक्सचेंजेस है, जैसे वजीरएक्स, बिटबीएनएस। राइट, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊँ, यहाँ पे अभी बीटीसी का जो दाम है, यानी बिटकॉइन का दाम है, वो 22 लाख रुपये, आपको लेफ्ट साइड भी दिख रहा होगा, 22 लाख रुपये है अभी जो बिटकॉइन का दाम है। राइट, जबकि आप यही दाम अगर आप अपने लोकल एक्सचेंज में देखो, जैसे बिटबीएनएस पे, तो अभी ये 23 लाख का है। तो अगर मैं बोलूँ कि आप यहाँ से 22 लाख का जो है एक बीटीसी खरीदिए और यहाँ पे 23 लाख में बेच लीजिए, 23,85,000 में, तो आपकी ये जो प्रॉफिट हो गया वो 1,85,000 का प्रॉफिट आएगा। राइट, तो आप ये सोचोगे कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो रहा है। तो एक्चुअल में जब आप इसे सेल करने जाओगे तो इसका जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो बंदा सेल कर रहा है रिसेंट ऑर्डर बुक ये रहा, ठीक है, जो बंदा सेल कर रहा है वो सेल कर रहा है 23,80,000 में और 0.05 सेल कर रहा है। राइट, और यहाँ पे आपने क्या किया, आपने यूएसडीटी से बाई कर लिया है, वो एक बीटीसी बाई कर लिया है 22 लाख रुपए का। अब 22 लाख रुपए का आप यहाँ पे आके बोलोगे भाई मेरे को 1,80,000 तुरंत मिल गया, ये तो बहुत बड़ी चीज होगी। तो यहाँ पे सेल जब करने जाओगे ना, तो यहाँ पे 0.05 पहले आपने सेल किया इतने प्राइस पे, फिर 0.07 किया, और जब आप एक बीटीसी अगर इससे आप डायरेक्टली सेल करते हो, यानी 23,78,000 से, यानी आपका क्या मतलब है, 23,78,000 और 22 लाख में क्या डिफरेंस है, 1,78,000 का डिफरेंस है। यानी यहाँ से आपने एक बीटीसी बाय किया, ट्रांसफर किया आपने बिटबीएनएस में, बिटबीएनएस में जो बायर है उसको आपने सेल कर दिया, वही 22 लाख का सामान आपने 23,78,000 में सेल कर दिया, आपको मुनाफा कितना हो गया, 1,78,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, ये है, ये जो मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ ये वो है। अब वजीरएक्स क्या है, बिटबीएनएस से अच्छा एक्सचेंज है, यानी बिटबीएनएस से ज्यादा यूजर्स वजीरएक्स पे, तो यहाँ पे जो बिटकॉइन का दाम है वो आप देख सकते हो 23,23,000 है, जो कि 50,000 कम है बिटबीएनएस से। अगर आप ऑलरेडी वजीरएक्स के यूजर हो तो वजीरएक्स से बाय करो और बिटबीएनएस पे सेल कर दो, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 50,000 के आसपास। वही इंटरनेशनल एक्सचेंज है, तो इंटरनेशनल एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टेड है, तो वो क्या करेंगे, वो आपको सबसे सस्ते दाम में दिलाएंगे। सबसे सस्ते दाम में दिलाने के बाद आप ऐसी जगह जाओ यहाँ पे एक बीटीसी का 23,78,000 में, 69,000 में बेच दो। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान देने वाली है। सबसे पहली चीज़, अगर आप बाय करते हो तो आपका तुरंत बाय होता है कि नहीं। दूसरी चीज़, आप जब इसको इस पर ट्रांसफर करोगे तो आपकी कितनी फीस लग रही है। जैसे बिटकॉइन को अगर आप बिटबीएनएस पर ट्रांसफर करोगे तो $17 मैक्सिमम, आपको मैं बता रहा हूँ, $17 से ज़्यादा की फीस नहीं लगनी है। ठीक है, $17 यानी आपका मैक्सिमम, ठीक है,
1200, ठीक है, सॉरी 12,000 नहीं, 1200 के आसपास। तो 1200 की फीस आपने लगाई और 1,78,000 रुपये कमा लिए तुरंत, तो आप ये समझ लो कितनी बड़ी चीज़ है आप आर्बिट्रेज। तो इसी को कहते हैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। आप लोग बोलोगे कि भाई इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रेड करना मुश्किल है क्योंकि अब मेरे को प्रॉफिट लॉस दिखाना पड़ेगा, स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा। 1,80,000 है भाई, 30% टू टैक्स दे देगा तो भी आपको कितना हो जाएगा आपका, 1,80,000 18 दुनी 36 और 42 54, 54 54 हज़ार आप दे दोगे, एक एक 30 में से आप 1,70 में से आप 54,000 रुपये सरकार को दे दोगे, ठीक है। तो तब भी आपका 1 लाख से ऊपर का ही प्रॉफिट हो रहा है, वो भी इंस्टेंट, ठीक है। मतलब बस आपको ट्रांसफर करने का जो टाइम लगा वो टाइम लगा है, ठीक है। बस ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट आर्बिट्रेज का। अब मैं बताऊंगा कि आप अगर आप बोल रहे हो कि नहीं फिर भी मेरे को खाली बाइनेंस का यूज करके बताओ, तो मैं वो तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे अभी हमने क्या किया, बाइनेंस से कहीं और ट्रांसफर किया, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम किसी और एक्सचेंज पे जाते ही नहीं है, ठीक है। हमने बोला कि भाई किसी एक्सचेंज पे जाने नहीं है, हमें बाइनेंस से ही कमाना है, ठीक है, हमें टैक्स से थोड़ा बचना है वगैरह वगैरह, हम P2P का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, देखो यहाँ पे अभी BTC का जाम जो है वो 22 लाख रुपए है अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो। तो अगर आप यहाँ से स्पॉट ट्रेडिंग पे करते हो तो BTC का दाम वो है 22 लाख रुपए, ठीक है। 22 लाख रुपए से अब आप क्या करोगे, 22 लाख रुपए से आपने यहाँ पे बाय कर लिया, बाय करके अब आप P2P पे आओगे। P2P पे आने के बाद यहाँ पे INR सेलेक्ट करोगे और जो आपने बाय किया वो आप सेल करोगे, ठीक है। अब सेल किस तरीके से करोगे वो मैंने एक ऑलरेडी एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बना रखा है USDT को सेल करने का, उसी तरीके से BTC भी सेल होता है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा, जैसे आपके पास अब एक बिटकॉइन है तो आप क्या करोगे, एक बिटकॉइन को सेल करोगे। तो एक बिटकॉइन को कैसे सेल करोगे, यहाँ पे जितने भी बंदे हैं वो आपको बिटकॉइन खरीद रहे हैं, ठीक है। अगर आप सेल में जाओगे तो ये जितने भी बंदे ये सारे बिटकॉइन खरीद ले, किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, ये बंदा जो है 23,52,000 रुपये पे खरीद रहा है, आपने खरीदा कितने पे, 22 लाख रुपये पे, और बेच कितने पे रहे हो, 23,52,000, यानी 1,52,000 का प्रॉफिट प्रॉफिट है पूरा, ठीक है। ये पूरा प्रॉफिट है, यहाँ पे देख रहे हो एक BTC तक अवेलेबल है, कम से कम 10,000 से लेकर 1,55,000 तक का वो ट्रेडिंग कर सकता है एक बार में। तो आपने कितना कमाया, आपने 22 लाख का सामान लेकर 23,52,000 पे बेच के सेम प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप बस आपको क्या करना है कि आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, यानी UPI के थ्रू आप पेमेंट ले सकते हो, IMPS के थ्रू ले सकते हो, या बैंक ट्रांसफर के थ्रू ले सकते हो। अगर आप एयरटेल मनी के थ्रू ले सकते हो तो आप 24,28,000 पे भी बेच सकते हो। तो अगर आपने एयरटेल मनी पे भी अकाउंट बना लिया तो 24,28,000 पे बेचो। अगर आपने UPI, IMPS और बैंक ट्रांसफर कर ले सकते हो तो 23 लाख पे बेचो। अगर आप फोन पे भी ले सकते हो, फोन पे भी 23 लाख पे बेच लो। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा बाइनेंस के अंदर ही प्रॉफिट है, राइट। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग आप बाइनेंस के अंदर ही कर रहे हो, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग आप कर रहे हो बाइनेंस के अंदर, और बाइनेंस के अंदर ही करके आपने क्या किया, BTC को बेचकर आपने पैसे बना लिए, ठीक है, INR बना लिया, ठीक है। ये INR आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में चले गए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रांसफर भी करने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरे एक्सचेंज पर डालने की भी जरूरत नहीं है। आपने डायरेक्टली यहाँ से क्या किया, इंस्टेंटली यहाँ पे मैंने एक BTC का अर्न किया, एक BTC खरीदा 22 लाख में, यहाँ पे आके मैंने तुरंत कर दिया सेल, इस ये जो बंदा खरीद रहा है इसको मैंने सेल कर दिया, या जितना भी जैसे इसका 99% कंप्लीशन है तो मैंने इसको सेल कर दिया, चलो ठीक है, 22 लाख का मैंने 23-26 में से भेज दिया। एक अब जैसे ये कितना खरीद रहा है, ये 0.005 खरीद रहा है, तो इतने में मैंने भेज दिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, मेरा इंस्टेंट प्रॉफिट हो गया, राइट। और वो भी सीधा बैंक अकाउंट में गया आपके, जो भी आपने दूसरे एक्सचेंज से, आपने कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से आप मार्केट चाहे अप हो चाहे डाउन हो चाहे कुछ भी हो, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग से तुरंत के तुरंत बाइनेंस P2P के थ्रू और बाइनेंस के थ्रू डायरेक्टली आप पैसे अर्न कर सकते हैं, राइट, इंस्टेंटली, वो भी इसी को आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कहते हैं। और यही मेरा मेन वीडियो का मकसद था कि आपको समझाना कि आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या होती है और किस तरीके से आप दूसरे एक्सचेंज का यूज किए बिना भी आप खाली बाइनेंस के थ्रू किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैंने इस तरीके से आपको पूरा इसका बारे में बता दिया और किस तरीके से करना है वो भी समझा दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट पे करके जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने कमेंट्स और वीडियो डिस्क्रिप्शन पे अपना सोशल लिंक्स दे दिए हैं जहाँ पे मैं डायरेक्टली अवेलेबल होता हूँ। जैसे टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे मैं डायरेक्ट अवेलेबल होता हूँ, कभी भी आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए, इस तरीके से मैंने आपको आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के बारे में बता दिया और ये भी बता दिया कि किस तरीके से बाइनेंस का इस्तेमाल करके इंस्टेंटली पैसे अर्न कर सकते हैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के थ्रू। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस।